हेलो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेसिकली अपना ये चैप्टर। माइग्रेशन आपको मैंने इसमें कुछ टर्म्स समझाए थे और भी रीड करने के लिए दिया था, आई थिंक आपने रीड क्या होगा आपको समझ में भी आया होगा, फिर भी एक बार मैं और रीड कर देता हूँ, ठीक है? अगर आपने आपने रीड नहीं किया है तो मैं फिर आपको ये बता दूं कि आप बहुत बेकार पढ़ रहे हो। अगर आपको रीड करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है तो नहीं निकाल पा रहे हो टाइम को। इंट्रोडक्शन माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम टू अनदर सिटी स्टेट और कंट्री फॉर अ जॉब और सैलरी इज कॉल्ड माइग्रेशन। वो कह रहा है लोगों का मूवमेंट अपने घर से दूसरी जगह के लिए, अब दूसरी सिटी हो सकती है, दूसरी स्टेट हो सकती है, दूसरी कंट्री हो सकती है, या तो जॉब के लिए या फिर रहने के लिए, उस समय कहते हैं माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन इज अ वे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन का एक तरीका है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का। टू लिव एंड वर्क इन बेटर सराउंडिंग, ये इसकी जगह को इन कर ले, इसकी जगह पर जो कहता है इन कर ले, ये मुश्किल नहीं है सर। इसलिए एक मूवमेंट क्या है वो कहना, मूवमेंट क्या है, मूवमेंट और सॉरी माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन क्या है, एक तरीका है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। ठीक है, मूव की बात है टू लिव इन बेटर सराउंडिंग, टू वर्क इन बेटर सराउंडिंग, ताकि हम एक बेटर जगह पर रह पाए, ताकि हम एक बेटर जगह पर काम कर पाए। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब कहते हैं सराउंडिंग होते सराउंडिंग सराउंडिंग में हमारी इन्फ्लुएंस हो जाती है, किसकी से इन्फ्लुएंस हो जाती है, सोशल फैक्टर से, कल्चरल फैक्टर से, इकोनॉमिक फैक्टर से, पॉलिटिकल फैक्टर से, ये चीज़ें इफेक्ट होती रहती हैं। तो कह रहा है पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, काम ढूंढने के लिए, या इन सर्च ऑफ सेटअप, जगह देखने, जगह ढूंढने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं माइग्रेंट्स कहते हैं, हम उनके कहते हैं माइग्रेंट्स कहते हैं, या फिर मोर स्पेसिफिकली बहुत देखा जाए तो उनको क्या बोल सकते हैं, इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, सेटलर्स कह सकते हैं। तो ये कब कहेंगे, ये डिपेंड करता है उनकी हिस्टोरिकल सेटिंग पर, सर्कमस्टेंस पर, पर्सपेक्टिव पर। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस अभी तक तो चैप्टर में नहीं दिया, अगर आगे दिया होगा तो समझा दूंगा मैं डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? ह्यूमन माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन वो कह रहे हैं, ह्यूमन माइग्रेशन को बोला है, ह्यूमन माइग्रेशन बोल तो इंसानों का माइग्रेट करना, ठीक है? तो सर एनिमल्स से माइग्रेट करते हैं, और क्या एनिमल्स से माइग्रेट करते हैं, चैप्टर मैंने आपको समझाया था, एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, सब करते हैं, तो यहाँ पे केवल एनिमल्स करते हैं। वो कह रहे हैं ह्यूमन माइग्रेशन इनिशिएटेड, शुरू हुआ था, इनिशिएट मतलब शुरू होना, स्टार्ट होना, ये शुरू हुआ था और वॉट एवर रीजन, पता नहीं किस वजह से ये शुरू हुआ था, इंसानों का इधर से उधर जाना शुरू हुआ था, पता नहीं क्यों, और वॉट एवर रीजन, जो भी रीजन हो, चाहे जो भी रीजन हो, है अफेक्टेड द ग्रैंड एपोक्स इन हिस्ट्री। तो वो कह रहे हैं माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन अफेक्ट किया है, किस चीज़ को अफेक्ट किया है, हमारे ग्रैंड एपोक को, एपोक मतलब कि हमारा पास्ट टाइम, पास्ट टाइम हमारे पास्ट की हिस्ट्री को क्या क्या है, बहुत अफेक्ट किया है। चेंजिंग फॉरएवर द डेमोग्राफिक लैंडस्केप ऑफ लैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में जो लैंड का जो लैंडस्केप है उसको हमेशा के लिए चेंज कर दिया है। तो कैसे चेंज किया है, ब्रिंगिंग इनोवेशंस, तो कभी कभी उससे इनोवेशंस लाए हैं वो, म्यूचुअल बेनिफिट्स, कभी कभी एक दूसरे के लिए बेनिफिट्स लेकर आए हैं वो, एंड ऑन द अदर टाइम कभी कभी डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग भी लेके आए हैं, कभी कभी अच्छी चीज़ें लेके आए हैं, कभी कभी बुरी चीज़ भी लेके आए हैं माइग्रेशन की वजह से। तो बता रहे कि माइग्रेशन के दोनों ही चीज़ें बेनिफिट भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल माइग्रेशन,
कुछ एग्जांपल्स होता है माइग्रेशन के, कब लोग माइग्रेट करते हैं सब में। तो कह रहा है 1846 से 1940 के बीच में, बिटवीन 1846 से 1940 मास माइग्रेशन अकर्ड वर्ल्ड वाइड। तो कह रहा वर्ल्ड वाइड बहुत सारा माइग्रेशन हुआ, बहुत सारा मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या किया माइग्रेट किया। कम कितने लोगों ने माइग्रेट किया, कुछ सम 55 मिलियन ऑफ सम 55 मिलियन ऑफ माइग्रेंट्स मूव्ड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। तो 55 मिलियन, 55 मिलियन का मतलब पता कितना होगा, 5 करोड़ 50 लाख, 5 करोड़ से 50 लाख। तो 5 करोड़ 50 लाख लोगों ने तो यूरोप से अमेरिका चले गए, यूरोप से माइग्रेट कर लिया अमेरिका की तरफ 500 लोगों ने। एंड 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन का मतलब है 25 लाख, 25 लाख लोगों ने मूव किया एशिया से भी अमेरिका, एशिया से भी अमेरिका। तो इतने सारे लोगों ने ट्रांसफर वो किया, माइग्रेशन किया, सौ ने अमेरिका किया। एक वर्ड आया है यहाँ पे ट्रांजिशनल लेबर, ट्रांजिशनल लेबर माइग्रेशन यानी लेबरों का माइग्रेट करना। प्योर अब ये सारे इंसानों की बात नहीं कर रहा, अभी सारे इंसानों की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है लेबर की, लेबरर्स की, जो मजदूरी करते हैं, जो सैलरी पर काम करते हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों का ट्रांजिशनल माइग्रेशन, ट्रांजिशनल माइग्रेशन मतलब टेम्प्ररी, ये लोग केवल टेम्प्ररी ट्रांसफर होते हैं, केवल पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, हमेशा के लिए बाहर नहीं आते हैं, ये सेटल होने के लिए बाहर नहीं आते, एक अर्न करने के लिए बाहर जाते हैं। तो क्या ये जो ट्रांजिशनल लेबर माइग्रेशन था ना, रीच्ड अ पीक ऑफ 3 मिलियन माइग्रेंट्स पर ईयर इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो कह रहे हैं 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में तो ये ट्रांजिशनल लेबर जो माइग्रेशन था ना, ट्रांजिशनल लेबर माइग्रेशन ये बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। कितना, 1 साल में कम से कम 30 लाख लोग तो माइग्रेट हो ही रहे थे, 1 साल में 30 लाख एम्प्लॉयज तो माइग्रेट हो ही रहे थे। दिस लार्ज माइग्रेशन फ्लोज इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ नेशन स्टेट फॉर्मेशन इन मैनी वेज। अब वो कह रहे हैं माइग्रेशन की वजह से ना नेशंस बनाने का, स्टेट बनाने का सिस्टम थोड़ा सा चला, वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ। द 20th सेंचुरी ऑल्सो एक्सपीरियंस एन इनक्रीज इन माइग्रेशन फ्लोज कॉज्ड बाय वॉर एंड पॉलिटिक्स विद लार्ज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज फ्लिंग देयर होमलैंड्स। वो कह रहे हैं 20th सेंचुरीज में भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए, जिसकी वजह से हमारा माइग्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सर माइग्रेशन क्यों इंक्रीज हुआ, माइग्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या, कि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं। तो सर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्योंकि क्यों गए हैं, कॉज ऑफ ड्यू टू वॉर एंड पॉलिटिक्स। तो वॉर वगैरह होने लगे, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे, ठीक है। अभी द नंबर ऑफ रेफ्यूजीज फ्लीइंग देयर होमलैंड, और सर कुछ लोग तो अपने घर घर छोड़कर भी भागते हैं। अबाउट 4 लाख ज्यूज मूव टू पैलेस्टाइन इन 20th सेंचुरी। वो क्या, 4 लाख ज्यू तो कम से कम पैलेस्टाइन चले गए, ठीक है। द रशियन सिविल वॉर कॉज सम 3 मिलियन, रशियन सिविल वॉर भी हुआ था तो उसकी वजह से 3 मिलियन हो गया, यानी 30 लाख लोगों ने क्या किया, 30 लाख रशियंस पोल्स एंड जर्मन से तो माइग्रेट आउट ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन से ये 30 लाख लोग भी चले गए उस टाइम पर, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर डिकोलोनाइजेशन ऑल्सो कॉज माइग्रेशन। तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर भी, डिकोलोनाइजेशन के टाइम पर भी काफ़ी सारा माइग्रेशन हुआ, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने पहले रीड कर लिया था तो अच्छा है, अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो और क्या कहते हैं रीड कर लो, ठीक है। आई थिंक आपने एडिट कर लिया होगा, है ना। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, अब तो आपको कह रहे हैं कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के रीजन क्या क्या है। सारे बताए तो था, वर्ल्ड वॉर वगैरह, डीकोलोनाइजेशन, रशियन सिविल वॉर, अभी बताए तो क्या आपने। अरे वो तो बेटा केवल छोटे छोटे वर्ड थे, वो तो केवल एक शॉर्ट में बताया था, ब्रीफ था केवल, डिटेल में आप पढ़ना है, डिटेल में आप पढ़ना है। नाउ अडेज मतलब आजकल, नाउ अडेज मैनी पीपल डिसाइड टू माइग्रेट टू हैव अ बेटर लाइफ। अगर आजकल लोग
माइग्रेट करने की सोचते हैं किस लिए, ताकि एक बेटर लाइफ एंजॉय कर सकें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर द मोस्ट कॉमन रीजन ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट। वो कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब आउट ऑफ इंडिया जॉब मिल रही है आपको तो आपके जाओगे नहीं आउट ऑफ इंडिया जाओगे। तो कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो मोस्ट कॉमन रीजन है लोगों के माइग्रेट करने का, एक्सेप्ट दिस। इसके अलावा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बेटर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, ग्लोबलाइजेशन, नेचुरल डिजास्टर एंड समटाइम्स टू ऑफ फेलियर फोर्स विलेजेस टू माइग्रेट टू सिटीज। वो कह रहे हैं इसके अलावा भी देखो तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फार्मर्स के पास गांव में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, काम ही नहीं है, कॉलेज स्कूल ही नहीं है गांव में, बेटर एजुकेशन ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स वगैरह नहीं है गांव में, पानी नहीं आ पाता ढंग से, ग्लोबलाइजेशन नहीं की वजह से नेचुरल डिजास्टर बहुत होते हैं, फ्लड वगैरह आती रहती है गांव में, है ना, कभी कभी क्रॉप फेल हो जाती है, कभी कभी क्रॉप नहीं ग्रो पाती, तो ऐसे किसम लोग गाँव भी छोड़ के आ जाते हैं। तो वो कह रहा है ये भी बहुत बड़े रीज़न है विलेजर्स के लिए कि वो अपने गाँव से माइग्रेट कर लें सिटी में। ठीक है, माइग्रेशन शोज द ट्रेंड्स ऑफ सोशल चेंजेस। कहना माइग्रेशन क्या बताता है, माइग्रेशन अपना ट्रेंड शो करता है। माइग्रेशन में क्या करता है, एक ट्रेंड शो करता है। सर कौन सा ट्रेंड शो करता है, सोशल चेंजेस का, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस फ्रॉम द हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीपल माइग्रेट फ्रॉम फार्म टू इंडस्ट्रीज। तो वो कह रहा है कि अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें, हिस्ट्री में अगर हम जाकर देखें फ्रॉम हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, का मतलब है आप हिस्ट्री में जाकर देखो तो आप चेक करो हिस्ट्री में कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे थे, तो पीपल तो लोगों ने माइग्रेट किया था, पीपल माइग्रेट फ्रॉम फार्म टू इंडस्ट्री। लोगों ने अपनी खेती बाड़ी छोड़कर बिजनेस में फैक्ट्रियाँ खोलना स्टार्ट किया, बिजनेस करना स्टार्ट किया फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। वो लोग गांव से शहर में आ गए, वन सिटी टू अनदर, एक सिटी से दूसरी सिटी में चले गए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले गए। इन मॉडर्न टाइम्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन एशिया। वो कह रहे हैं अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो एशिया में काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, एशिया में हो रहे हैं, अफ्रीका में हो रहे हैं, लैटिन अमेरिका में हो रहे हैं, USA में भी हो रहे हैं, ड्यू टू विच दीज रीजन्स आर विटनेसिंग लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। तो वो कह रहे हैं इसी वजह से जो स्टेट्स हैं ना, ये जगह है ये विटनेसिंग गवाही दे रही हैं, ये गवाही दे रही है, ये बोल रही है कि बहुत बड़े स्केल पर माइग्रेशन होगा, अभी माइग्रेशन जो हुआ नहीं, अभी और होगा। तो कहाँ से कहाँ पे, से रूरल टू अर्बन एरियाज, यानी रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज में आ जाएंगे, यानी गाँव के लोग शहर में आ जाएंगे। अभी कॉजेस ऑफ माइग्रेशन कैन बी सीन एज सीरीज। वो कह रहा है अगर आपको रियल में रीजन जानने हैं माइग्रेशन, तो आप उनको एक सीरीज में देख सकते हो। तो सीरीज में कौन सी सीरीज, पुल एंड पुश फैक्टर, पुश एंड पुल फैक्टर्स बोलो, पुश एंड पुल फैक्टर नाम से एक सीरीज होती है, आप उसमें देख सकते हो, तो आप उससे समझ सकते हो दो फैक्टर बीच आइदर ही फोर्सफुली पुश संबंध इनटू माइग्रेशन और रहते हैं। ठीक है, तो जो कभी कभी कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि इंसान को मजबूरी में माइग्रेट करना पड़ता है, मजबूरी में, अगर मजबूरी में माइग्रेट कर रहा है तो ऐसे रीजनों को कहा जाएगा पुश फैक्टर, ऐसे रीजनों को क्या कह जाएगा, पुश फैक्टर। लेकिन रीजन ऐसा नहीं है कि आपको मजबूरी है, आपको ये किसी चैप्टर में भी करना, रीजन ऐसा है कि आपको आपका मन कर रहा है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो उस चीज़ से, जैसे बेटर एजुकेशन, अब बेटर एजुकेशन लेने आना आपकी मजबूरी नहीं है, ये तो आपकी इच्छा है ना, आपको बेटर एजुकेशन चाहिए तो आप USA जाओ, अगर आपको नहीं चाहिए तो मत जाओ US। ठीक है, आपको अच्छा घर लेना है, आपको अच्छी सोसाइटी में लेना है, आप जाओ US में, आपको नहीं सही तो आप यहाँ पे इंडिया में तो रह ही रहे हो अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे फैक्टर्स को बोलते हैं पुल फैक्टर, जो अट्रैक्शन है आपको, जो फोर्स करें वो पुश फैक्टर्स, और जो अट्रैक्ट करें वो पुल फैक्टर्स। ठीक है, तो कुछ पुश फैक्टर्स हैं, कुछ पुल फैक्टर्स हैं। पुश फैक्टर्स देखो जरा, मजबूरी वाले फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मजबूरी वाले रीजन क्या क्या हो सकते हैं। आप पुश फैक्टर इज अ फोर्सफुल फैक्टर एंड अ फैक्टर विच रिलेट्स टू अ कंट्री द पर्सन इज माइग्रेटिंग फ्रॉम। वो कह रहा है तो दूसरी तरह है पुल फैक्टर क्या है, एक तो ऐसा एक तो फोर्सफुल फैक्टर है, ठीक है, दूसरा फैक्टर है उस कंट्री का
जहाँ पे पर्सन क्या हो रहा है, मैरिड हो रहा है, इट इज जनरली अ प्रॉब्लम विद रिजल्ट्स इन पीपल वांटिंग टू लिव। ये केवल एक, ये एक उस तरह की प्रॉब्लम है कि लोग वो जगह छोड़ना चाहते हैं, लोग वो जगह छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुश फैक्टर्स इंक्लूड, सर अलग अलग पुश फैक्टर्स बताओ। कब लोग मजबूरी में बाहर जाना चाहते हैं। पुअर मेडिकल केयर, सर मेडिकल केयर ही अच्छी नहीं है, मेडिसिन ही नहीं मिलती, ट्रीटमेंट ही नहीं होता, तो सर मजबूरी है ना, ट्रीटमेंट करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। नॉट इनफ जॉब, सर जॉब है ही नहीं है, हमारे लिए तो जॉब ही नहीं है, अब क्या करें, अनएम्प्लॉयड है क्या, पैसा नहीं कमाएंगे क्या, तो पैसा बाहर जाना पड़ेगा, मजबूरी है, तो ये आपको होगा नॉट इनफ जॉब। ड्रॉट्स, नेचुरल डिजास्टर, सब सूखा पड़ गया, पानी नहीं है, या फिर बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर कैसे यहाँ पे रहेंगे, तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, हम दूसरे पर जाएंगे जाएंगे, तो इसको बोलते हैं एक रीजन, लॉस ऑफ वेल्थ, आपको सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप नए सिरे से बिल्कुल नई न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हो, तो आप न्यू स्टार्टिंग नई जगह से करना चाहोगे, तो ये एक आपका रीजन हो गया। फियर ऑफ टॉर्चर, कोई आपको परेशान करते हैं वहाँ पर, अभी करेंटली आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर कोई आपको परेशान करता है, तो आप सोचो हो कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, ठीक है। हाई रेट ऑफ क्राइम, आप जिस जगह पर रहते हो क्राइम होता है, आप डर डर के जीना नहीं चाहते, आप डर डर के रहना नहीं चाहते, तो दूसरी जगह पर जाना चाहोगे। लैकिंग सेफ्टी, सेफ्टी है ही नहीं वहाँ पर, आए दिन बॉम्ब गिरते रहते हैं, आए दिन फायरिंग होने लगती है, तो छोड़ोगे, आपकी मजबूरी है। पॉलिटिकल फियर, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लीडर से आपको डर लग रहा है, उनसे आपकी अनबन हो गई है। रिलीजियस फैक्टर, से रिलीजन को लेकर डाउट है, लोग कभी भी लड़ पड़ते हैं हिंदू मुस्लिम का नाम ले लेके, कभी भी लड़ने लगते हैं, कभी भी, तो ये आपके सारे पुश फैक्टर से आपकी मजबूरी है, आपको जिंदा रहना है तो आपको चीन जाना पड़ेगा। और पुल फैक्टर्स का होता है, पुल फैक्टर्स मतलब क्या, जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि मजबूरी नहीं है, कब मन कर रहा है, कब मन कर रहा है। अ पुल फैक्टर इज समथिंग कंसर्निंग द कंट्री अ पर्सन माइग्रेट्स टू, सम ऑफ द पुल फैक्टर्स आर एज फॉलोज, चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर जॉब, जॉब नहीं बेटर, बेटर के लिए आप जा रहे हो, तो ये आपका पुल हुआ, बेटर के लिए जा रहे हो, ये आपका पुल हुआ, कंफर्टेबल कंडीशंस के लिए जा रहे हो, तो आपका पुल हुआ, बेटर के लिए जा रहे हो तो आपका पुल हुआ, ठीक है, बेटर के लिए जा रहे हो पुल हुआ। अब बस आपको, अब आपको को याद रखना कि बेटर जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, पुल फैक्टर से होंगी, ठीक है। अवसर क्या हो सकता है, सिक्योरिटी, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी, यहाँ पर सिक्योरिटी हो, सोशल रिलीजियस भी, फैमिली लिंक्स, वहाँ पर आपके लोग ही रहते हो तो आप जा रहे हो वहाँ पे, तो ये सारे क्या रीजन हो गए, ये सारे हो गए, ठीक है, हो गए, ठीक है। एक बार रीड कर लो प्राणा वाला।